हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक सर, जेपीएस एजुकेटर दिल्ली। आज मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ये कैसे प्रूफ होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक फॉर्मूले का प्रूफ दे चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो। डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा, वो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। फिलहाल मेरे पास जो ये दूसरा वाला फॉर्मूला, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले वाले वीडियो मैंने बताया था, कभी भी जब कभी अपने पास इस तरह का सिचुएशन हो, कहीं भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो हमेशा एक्स में जो है वो पुट करना ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। सपोज यहाँ लिखा होगा, सपोज यहाँ ऐसा लिखा होगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स में क्या पुट होगा भाई, बी साइन थीटा। एक्स में क्या पुट होगा, बी साइन थीटा। मान लीजिए हमारे पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फोर को मैं बोल सकता हूँ टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस केस में एक्स में जो पुट होगा वो क्या पुट होगा, टू साइन थीटा। कॉन्स्टेंट आपको हमेशा लेना है, तो मैंने क्या पुट किया, फिर से मैं लिख रहा हूँ, लेट क्या मैं लेट करने जा रहा हूँ, क्या पुट करने जा रहा हूँ, एक्स में मैं पुट करने जा रहा हूँ ए साइन थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, dx अपॉन d थीटा इज a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। वापस इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं हम लोग। क्या था हमारे पास, i इज dx की जगह पर क्या रखा मैं, a cos थीटा d थीटा, dx इज a cos थीटा d थीटा, dx इज a cos थीटा d थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x हमारा क्या है, x हमारा है a साइन थीटा। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एक्स इज ए साइन थीटा स्क्वायर था, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली कहाँ पहुंच गए हम लोग, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर में कॉमन लूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से जब ये ए स्क्वायर हमारा बाहर निकलेगा तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन मिलेगा हम लोगों को, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो ए, एंड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकाला कॉस थीटा, सारा का सारा टर्म हमारा कैंसिल हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, आप लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होता है भाई, तो थीटा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, देखो ध्यान से, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है ए साइन थीटा। अगर एक्स हमारे पास ए साइन थीटा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक्स अपॉन ए हो जाएगा हमारा साइन थीटा। चाहिए क्या, थीटा, थीटा को मैं राइट हैंड साइड में रहने दे रहा हूँ, ये साइन हमारा लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो थीटा इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, पुट कर रहा हूँ इसको, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये मैं इंटीग्रेशन के प्रूफ इसलिए अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है पेपर में आपको ए ही मिलना है, यहाँ नाइन मिल सकता है, थ्री मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, तो एक वर्किंग रूल को समझो। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, और इस साल सीबीएसई के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो है वो प्रूव करने के लिए दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज इनको देखो और वीडियो को रोको ना, ये समझ तो कमेंट करो, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।